तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि किस तरीके से कुछ इस क्वेश्चन से जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल लिखा हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा और से पढ़ें, राइट एन इफ स्टेटमेंट डेट असाइंस 100 टू एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक्स की वैल्यू 100 हो जाए जब ज़ीरो असाइन हो वाई को। मतलब इसमें प्रोग्राम ये काम खुद से करे। इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से डेफ सी प्लस प्लस को कंपाइलर को खोलना है और इफ कंडीशन के ज़रिए इसको करने की सोचनी। बहुत आसान सा है समझना। यहाँ से हम फाइल में गए, न्यू किया और यहाँ से हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, ये हमने लिख लिया। यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया, यहाँ हमने लिख लिया रिटर्न ज़ीरो सी आउट एंड लाइन और सिस्टम का पास कर दिया। यहाँ ऊपर जाके हमने जैसे ही क्लिक किया तो कह रहा राइट इफ स्टेटमेंट डेट असाइन 100 टू एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जब भी वाई की वैल्यू ज़ीरो हो तो एक्स की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 100। पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, चाहे इंटीजर ले लें चाहे आप उसको उसमें ले लें, क्या कहते हैं, डबल में ले लें क्योंकि नंबर स्टोर कराना है उसके अंदर। तो दोनों हम ऐसा करते हैं, डबल में ले लेते हैं, डबल एक्स कॉमा वाई और दोनों को असाइन कर देते हैं ज़ीरो। ठीक है, अब अगर दोनों को असाइन कर देंगे ज़ीरो तो बात ही ट्रू यही हो जाएगी। तो अभी हम दोनों को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ पे सी आउट कर दें और यहाँ पे ले रहे हैं, हाँ तभी तो पढ़ के बताया क्वेश्चन, और से सुना करो ना क्लास में बैठ के। y की वैल्यू जब 0 हो तो x को वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो अभी हमने दोनों की वैल्यूज़ को जो है कुछ भी नहीं रखा है और यहाँ पर हम वैल्यू शो कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ x और यहाँ पर आगे x की वैल्यू को शो कर रहे हैं। और उससे पहले y की वैल्यू को शो कर रहे हैं, और इसको सेव कर रहे हैं प्रोग्राम। इसका नाम है चैप्टर 4 इफ एल्स प्रॉब्लम 31। रन करते हैं प्रोग्राम को तो देखें आउटपुट क्या आ रहा है। तो y की वैल्यू कुछ ये 4.94 कुछ ऐसे दिखा रहा है, वैल्यू x की दिखा रहा है 0। ठीक है, मतलब जब हम कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं असाइन करते तो वो कोई भी उल्टी सीधी वैल्यू दिखा रहा होता है। अब सवाल ये कह रहा है कि जब y की वैल्यू 0 हो तो वो x की वैल्यू कितनी कर दे, 100। यानी कि जब हम y की वैल्यू 1 दें 2 दें 3 दें कोई भी नंबर दें तो x की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही y की वैल्यू हम 0 करें तो x की वैल्यू का आउटपुट कितना आ जाना चाहिए। यानी कि ये ऐसी मिसाल है कि जब मैं जतिन को पैसे दूं तो उसके अकाउंट में ऐड हो जाने चाहिए। नहीं, मिसाल बैटरी नहीं, बैटरी मिसाल समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। ये कह रहा है कि y की वैल्यू जब मैं 0 करूँ तो x की वैल्यू 100 हो जाए। तो ये मिसाल ऐसे ही हो गई कि जब मैं अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करूं जतिन के तो उसका अकाउंट अपडेट हो जाना चाहिए। ये दोनों बातें एक जैसी लग रही है, नहीं लग रही है, एक जैसी लग रही है ना भाई। एक में 0 डाल रहे हैं तो 100 हो रहा है, एक के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं तो अपडेट हो रहा है, बात तो एक ही है ना।
चेंज एक में हो रहा है, अपडेट दूसरा हो रहा है। चेंज होगा किस में? वाई में। और अपडेट क्या होगा? तू पैसों को छोड़ दे, अभी वैल्यू को समझ ना। वाई की वैल्यू को जब हम अपडेट करेंगे तो अपडेट एक्स होगा, यानी कि ये काम हमारा प्रोग्राम खुद करेगा। अभी कैसे करेगा? तो यहाँ पर हम वाई की वैल्यू का एक इनपुट बनाते हैं, सी इन ग्रेटर देन और वाई, और यहाँ पे एक मैसेज लिखते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ वाई टू अपडेट एक्स। ठीक है, और यहाँ पर इनपुट ले लेते हैं वाई का। अब मैं देखे प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर वैल्यू डाली 80। 80 वैल्यू कृष्णा बताएगा, ये जो मैंने 80 लिखा है कृष्णा, ये वैल्यू किस में जाएगी? वाई में जाएगी या एक्स में जाएगी? वेरी गुड। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा वाई के आगे? 80। देखते हैं आ रहा है। तो वाई की वैल्यू का आउटपुट क्या आया? 80। और एक्स की वैल्यू का आउटपुट क्या आया? 4.496। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्स को शुरू में कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब हम दोनों की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देते हैं? ज़ीरो। अब सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। और प्रोग्राम को रन करने पे अब हमने वाई की वैल्यू को डाला 50, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है और एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 4। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वाई और एक्स की वैल्यू दोनों की 0 आनी चाहिए थी। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स ही आनी चाहिए थी 0, लेकिन शायद प्रोग्राम अपडेट नहीं हुआ। दोबारा कंपाइल कर लेते हैं, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। चलें हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर पहले वाई और एक्स को डिक्लेयर कर देते हैं, फिर एक्स की वैल्यू को 0 कर देते हैं और वाई की वैल्यू को भी क्या कर देते हैं? 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोग्राम को रन करके, अब वाई की वैल्यू 60 इनपुट कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है ना, अभी हम प्रोग्राम चला रहे हैं तो जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वाई को वो एज इट इज़ आउटपुट में आ जाती है, सही है। लेकिन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है? 0। सवाल ये कह रहा है कि जब हम वाई को 0 करें तो एक्स होना चाहिए 100। यहां पर हम यूज करेंगे इफ कंडीशन का इस्तेमाल। कैसे करेंगे? हम लिखेंगे इफ स्टार्ट ब्रैकेट वाई, इफ कंडीशन चेक करो, अगर वाई की वैल्यू डबल इक्वल मतलब बराबर है किसके? 0 के, तो क्या काम करना है? अब इफ की बनाएंगे बॉडी, तो हम कह रहे हैं एक्स की वैल्यू असाइन कर दो कितनी? 100। ये कोड उस सूरत में चलेगा जब इफ चेक करेगा कि वाई की वैल्यू 0 है, और अगर 0 नहीं हुई तो इस कोड को वो बाईपास कर देगा। क्या कर देगा? बाईपास कर देगा। तो जब बाईपास कर देगा तो जो एक्स की वैल्यू 0 होगी वो यहाँ पे आउटपुट में भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चेक करके देखते हैं, वाई की वैल्यू मैंने क्या डाली यहाँ पे, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? 0। वाई की वैल्यू मैंने क्या डाली यहाँ पे, क्या हुआ बोलो ना, मुंह से आवाज नहीं निकल रही क्या? 50 डाली है मैंने वाई की वैल्यू, तो 0 डाली है ना। जैसे इंटर कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है? सही है, समझ में आ रही है, बन गया प्रोग्राम।
तो यहाँ पर आपको पता चला इफ़ की कंडीशन का इस्तेमाल कैसे प्रॉपरली किया जा सकता है।